पेट्रोल का प्राइस 3 इयर्स में सबसे अधिक हो गया है। देश के कई राज्यों में डीजल की प्राइस भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस $70 पर बैरल के करीब पहुंचने से देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े हैं। नोटवर्दी है कि पेट्रोलियम और डीजल पर कुछ साल पहले सब्सिडी खत्म कर दी गई थी। लोकल टैक्स के कारण स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में डिफिसिट रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और रशिया के प्रोडक्शन में डिडक्शन के लिए एग्रीमेंट का बढ़ना लास्ट 6 मंथ्स में फ्यूल की प्राइसेस में ग्रोथ का एक बड़ा कारण रहा है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने प्राइसेस में रीसेंट इंक्रीज के बावजूद प्रोडक्शन में डिडक्शन जारी रखने का फैसला किया है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच ऑयल की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है और इसके चलते प्राइस राइज आ रही है। स्टेट ऑयल कंपनीज का देश के फ्यूल रिटेल मार्केट में 90% से ज़्यादा पर कब्जा है। कंपनीज मार्केटिंग मार्जिन, डीलर कमीशन और गवर्नमेंट टैक्सेस को जोड़कर पेट्रोल और डीजल की रिटेल प्राइस डिसाइड करती है। फ्यूल के रिफाइनरी गेट प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल प्राइसेस से जुड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस रफली क्रूड प्राइसेस पर चलती है। हालांकि किसी खास फ्यूल की डिमांड सप्लाई इक्वेशन, रिफाइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स, अदर बिजनेसेस या जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का भी इन पर असर दिखाई देता है। क्रूड की हाई प्राइसेस इंडिया जैसे हेवी ऑयल कंजम्पशन कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं है। इंडिया अपनी नेसेसिटी का नियरली 82% पार्ट इंपोर्ट करता है। ऑयल की हाई प्राइसेस इन्फ्लेशन को बढ़ाती है, जिससे आरबीआई के लिए रेट कट करना मुश्किल होता है। इससे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है और गवर्नमेंट के पास कंट्री डेवलपमेंट के लिए कम पैसे बचता है। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।